तो हे गाइस, वेलकम टू द डे 30th ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। आज शाम को अपने कजिन के साथ टाइम स्पेंड करते करते काफी लेट हो गया और आधे रात की नींद तो मच्छरों ने खराब कर दी, क्योंकि मच्छरदानी ओढ़े बिना ही सो गया था। अब ऐसा कोई जगह नहीं रहा था जहाँ मच्छरों ने काटा ना हो। ये सब देखकर मच्छरों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इन सब के बावजूद भी हम 5 बजे उठ गए। अब मच्छरों ने कहाँ कहाँ काटा था पता नहीं, पर मेरे लिप्स तक नहीं छोड़े थे। जो भी हो, हम हाथ मुंह धोके जल्दी से रेडी होते हैं और अपने लिए अपना फेवरेट कॉफी तैयार करते हैं। अब एक हाथ में कैमरा पकड़, एक हाथ से टैप को ऑन करते हैं और अपने मोटे पेट से बर्तन पकड़ लेते हैं। अब क्या कहूँ यार, डेली व्लॉगर का लाइफ कुछ ऐसा ही होता है। फिर जल्दी से हम कॉफी तैयार करते हैं। अब कॉफी में डालने के लिए चीनी था नहीं और कॉफी के साथ चॉकलेट पाउडर मिक्स करते हैं, और जब टेस्ट किया तो काफी अच्छा टेस्ट था। कल मैंने डिहाइड्रेटेड ब्लूबेरीज मंगवाए थे, इसको टेस्ट करके देखते हैं। लिटरली इसका टेस्ट ना काफी ज्यादा अच्छा होता है। ब्लूबेरीज में एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी ब्रेन हेल्थ को भी मेंटेन रखता है, और इसका खट्टापन और मीठापन जो है ना वो तो अलग ही लेवल का है। फिर मच्छरदानी अपने पैरों पे उठ के हम पटने बैठ जाते हैं। तो गाइस, अभी टाइम सुबह के 5:30 बज चुके हैं। आई नो हम थोड़ा लेट हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मच्छर यार, पर गाइस आज से कुछ दिनों तक हमें तकरीबन 14 से 15 घंटे पढ़ाई करना है। कुछ दिनों तक, ये लंबे समय के लिए नहीं है। 15 घंटे की अनरियलिस्टिक गोल बना के तब वॉकआउट और स्ट्रेचिंग कर लेते हैं और थोड़ा मेडिटेशन भी, फिर उसके बाद हम पढ़ने बैठ जाते हैं। आज लेट हो गए थे तो हमने बेसिक चीजें पढ़े नहीं, सीधे अपने ऑप्शनल और हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दी है। ज्योग्राफी और ऑप्शनल की दोनों क्लासेस कंप्लीट हो चुका है। सबसे अच्छी बात, कल से हमारा मॉडर्न इंडिया भी स्टार्ट हो चुका है। बात हिस्ट्री का, हमारा मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो चुका है गाइस, तो यहाँ से हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। अब मॉडर्न इंडिया को तो बहुत सीरियसली पढ़ना है, ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों में हमें काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो गाइस, हमें एक नया चेयर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चेयर इस टेबल के साथ फिट नहीं बैठ रहा और हमारी नोटबुक और हमारी आंखों के बीच में ज्यादा गेप नहीं रह रहा है, हमारी आंखों को काफी डैमेज कर सकता है। तो हमारे रूम पार्टनर आज थे नहीं, इसीलिए बिना पूछे उनका चेयर ले आते हैं। अगली बार जब थोड़ा पैसा आएगा हम नई चेयर खरीद लेंगे। अब ये चेयर तो काफी ठीक है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है, बट वी विल मैनेज फॉर सम डे। उसके बाद कचरे वाले गाड़ी का आवाज आते हैं, हम कचरे फेंकने जाते हैं। हमारे ग्राउंड फ्लोर में तो पूरे कुत्तों का घर बना हुआ है, तो ये रोज आके यहीं पे सोते हैं और रोज मालिक मकान मार मार के भगा देते हैं। वापस आके हम हमारे सारे रिवीजन कंप्लीट करते हैं और आईपैड से अपने पीडब्ल्यू के नोट्स पढ़ लेते हैं। और पूरे 9:30 बजते बजते मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा था, तो आज अकेले तो कोई ऐसा ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे जो खाने में मजा हो, टेस्टी हो और अपने को भी पसंद आए, तो जल्दी से बना लेते हैं। तो आज हमारा रूम पार्टनर है नहीं, तो आज हम रोटी की बजाय माइक्रोनी बना लेते हैं। तो पहले मैं माइक्रोनी को धो लेता हूँ, तो फिर हम प्याज और टमाटर काट लेते हैं, फिर दोनों एक साथ ग्राइंडर में डालते हैं और ज़ करके प्यूरी बना लेते हैं। अब पानी गर्म करके इसमें माइक्रोनी डाल देते हैं और प्यूरी को तेल में डाल के तड़का तैयार करते हैं। अब माइक्रोनी को छान के इसमें से पानी निकाल लेते हैं और कुछ इस तरह दोनों मिक्स करते हैं, और जब टेस्ट करे तो काफी अच्छा बना है, पटने बैठ जाते हैं। माइक्रोनी खाते खाते कोई कोल्ड ड्रिंक ना तो मजा ही नहीं आता, तो हम कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं। तो मालिक मकान पहले भगा दे, मैं इसको भगा देता हूँ। बाहर मेरे छोटे दोस्त थे तो उनसे थोड़े बातें करते हैं। अब पता है आईफोन बोल के तुम इतना खुश क्यों होते हो? आईफोन क्या खतरनाक चीज है? जब वापस आते हैं तो साहब जी फिर से वापस आया होता, फिर मैं उनको कुछ इस तरह समझा देता हूँ। हर बार बाहर निकाल रहा हूँ, ये बार बार वापस आ रहा है। भाई लगना है क्या? मारू एक थप्पड़ मारू जाओगे? जा छिछ के मार के निकाल देगा ना हमें ना के ना भैया, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक पीते पीते हम माइक्रोनी खाते हैं लेकिन ज्यादा खा नहीं पाते। फिर उसके बाद हम हमारे पढ़ाई के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस सेशन में बार बार मुझे नींद आ रहा था और मेरा फोकस काफी ज्यादा शिफ्ट हो रहा था जस्ट बिकॉज रात को मैं सो नहीं पाया। तो इसीलिए इस सेशन को कम्प्लीट करके हम जल्दी से सोने जाते हैं। सेशन में हमारे सारे क्लासेस कम्प्लीट हो जाते हैं लेकिन नींद मुझे बहुत ज्यादा आ रहा था। हम क्लासेस कम्प्लीट करके फिर से सो जाते हैं। हर कोई कमेंट कर रहा था कि आप नोट्स किस तरह बनाते हो। देखो यार, हर किसी का नोट्स बनाने का तरीका अपना अपना अलग होता है। जैसे कि आज की मैंने क्लासेस का रनिंग नोट्स बनाया। मैं अपने नोट्स में बहुत सारे मैप्स और डायग्राम्स बनाता हूँ। ये हिस्ट्री की क्लासेस है तो इसमें बहुत सारे टाइमलाइंस भी बनाता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं पॉइंटर की फॉर्म में लिखता हूँ। अब क्लासेस चलते चलते जब नोट्स बनाते हैं मैं अलग अलग पेन यूज नहीं कर पाता हूँ। अब इसमें डायग्राम यूज करना और टाइमलाइन यूज करने का रीजन ही यही है, क्योंकि ह्यूमन की स्पेशल मेमोरी काफी तेज होता है, तो स्पेशल डायग्राम ज्यादा बनाओगे तो काफी ज्यादा याद रहता है, और अगर नोट्स पॉइंटर फॉर्म में तो काफी जल्दी आसानी से रिविजन हो जाता है। हर सब्जेक्ट का नोट्स एक जैसा नहीं होता, और जहां तक मुझे लगता है नोट्स आर लाइक योर ओन प्रेजेंटेशन। जो किसी और को समझ में आए ना आए, आपको जरूर समझ में आना चाहिए।
अब बार बार रिविजन करने के बाद इन नोट्स को हम बहुत ज्यादा कंसाइज करेंगे, तरह हमें और भी आसानी होगा रिवाइज करने के लिए। अब पढ़ते पढ़ते पूरा बादाम रिंग भी गिर जाता है, तो इसको मैं टॉवल से साफ कर देता हूँ। तो आज की सेशन को कुछ इस तरह मैं यहीं पे रोक देता हूँ ड्यू टू सम रीजन, फिर उसके बाद हम जल्दी से वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो गाइस, आज की दिन ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि दैट कभी कभी ना हम एक ही दिन में बहुत कुछ करना चाहते हैं एंड बहुत अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं एंड उसी चीज की वजह से बहुत प्रोक्रास्टिनेशन करने लगते हैं, बहुत सुस्ती फील होता है। बट हम आज के बाद क्या करेंगे गाइस, हम डेली बेस पे जैसे हम करते थे ना, रियलिस्टिक गोल बनाएंगे, अपने मिनिमम आवर ऑफ स्टडीज करेंगे, मिनिमम टारगेट्स को फुलफिल करेंगे और सब्र से काम लेंगे। यार बहुत सब्र से काम, लेट द टाइम डिसाइड कि हमें क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये फियर को दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मेरा होगा नहीं होगा, यार मैं और ज्यादा कर लेता हूँ, ये सब चीजें और कमजोर बना रहा है। इससे अच्छा है हम डेली बेसिस पे जो टारगेट्स करते हैं वही करेंगे और इसी में खुश रहेंगे। तो गाइस, आज सेशन को 5 बजे रोकने का रीजन यही था क्योंकि मैं पढ़ तो रहा था लेकिन मेरा फोकस उतना अच्छा नहीं था, और यार जब पढ़ रहे तो फोकस अपना 100% होना चाहिए। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद को दिखावा कर लूं। आज मैंने काफी ज्यादा पढ़ लिया, इससे अच्छा है मैं वॉकआउट कर लेता हूं, और वॉकआउट करने के बाद मैं कल की नींद को पूरा करूंगा। एंड गाइस, लिटरली हैव अ साउंड स्लीप, और कितना घंटे सोना है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है। और लिटरली गाइस, अगर हम रात को कम सोते हैं या सोते नहीं है, ये हमारे पूरे दिन की मेहनत को जाया कर देता है। तो इसीलिए ना, हैव अ साउंड स्लीप एवरी डे, चाहे तुम्हें 6 घंटा सोना पड़े, चाहे तुम्हें 8 घंटा सोना पड़े, सो जाना। और लिटरली गाइस, मैं तो हर दिन सिर्फ रियलिस्टिक गोल ही बनाऊंगा जो मैं एक दिन में पूरा कर सकूं और आराम से चैन की नींद सो सकूं। इट्स अ लॉन्ग जर्नी गाइस, एंड अभी पूरा 1 साल पड़ा हुआ एग्जाम के लिए, इसीलिए हमें हर दिन डटे रहना, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सब्र करना पड़ेगा। तो बस एक कोड के साथ आज की व्लॉग को एंड करते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट टाइमिंग, अनरीचेबल बिकम रिच, अनअटेनेबल बिकम अटेनेबल, हैव द पेशेंस गाइस, वेट आउट। तो चलो फिर गाइस, आज की व्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं। तो अगर तुम लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करना, सो दैट टुगेदर वी कैन गो थ्रू दिस लॉन्ग जर्नी। तो चलो फिर हम कल एक नए व्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे एक्टिव, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड।